तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। जलंधर च दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। इस दौरान उन्होंने पंजाब वासियों नूं दो बड़ियां गारंटियां दिंदे हुए कहा कि जेकर पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जलंधर च एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने दूजी गारंटी दिंदे हुए कहा कि जलंधर च देश की सब तो बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जलंधर च लोगों की काफ़ी देर तो मंग है कि इतने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और जेकर आपकी सरकार बनी तो ये मंग जल्द ही पूरी की जाएगी। आप जलंधर में आए हैं तो जलंधर के लोगों को दो गारंटी देके जा रहे हैं। एक, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा। अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी क्रिकेट तो उसको जालंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जालंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जालंधर होता है। हर चीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी खेल खेला जाता है जालंधर होता है। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर के अंदर बनाएंगे। और दूसरा, दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए, वो वापस आते हैं, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जालंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी एक छोटी बच्ची ने, दो बच्चों ने, कोमलप्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों। दस दी के आने वाली विधानसभा चुनाव नूं लेके सियासी अखाड़ा लगातार भखिया होया है। हर पार्टी वालों रैलियां करके बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं तो आपो अपने उम्मीदवार भी ऐलाने जा रहे हैं। उत्थे ही अरविंद केजरीवाल वालों भी दिल्ली तो पंजाब पहुँच के लोगों को गारंटियां दी जा रही ने। यह भी दस दी कि अरविंद केजरीवाल भलके 16 दिसंबर को विधानसभा हलका लंबी विच पहुँचेंगे और हल्के के पिंड खुडिया विच एक जनसभा संबोधन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।